बहु आजकल के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हमारे बीच में हैं नवीन कुमार सिंह जी। बॉर्डर पे जो हत हुई है, देखी देखी रोवत हुई है, कलैया के की आस लगल होई राखी खाती भैया के। एक दिन नदी के तीरे आजात रहनी, धीरे धीरे हम आखी देखनी, हम आखी देखनी, सुनरा शरीरिया गिया में जरे लाए राम, कि जनती जे लगी होती यारी ये बेटी रखती तोहके कुवार, आ जनती जे लगी होती यारी ये बेटी रखती तोहके कुवार, भोले जमाना दे गारी ये बेटी रखती तोहके कुवार। बहु आजकल के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हमारे बीच में हैं नवीन कुमार सिंह जी। एक ऐसी शख्सियत हैं जो गायन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यह अपने गायन के क्षेत्र में किन किन प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। नवीन कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को प्रणाम करूंगा, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ, इन लोग के आशीर्वाद से हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। और शुरू में तो मैंने गज़ल गायकी, हिंदी गायकी में ही इंटरेस्ट रखा, लेकिन धीरे धीरे जब तक धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ता रहा, तो मैं भी सोचा कि भोजपुरी में जो जो गंदगी है उसको धीरे धीरे साफ़ किया जाए और पारंपरिक चीज़ जो है उसको लाया जाए। अभी जल्दी मैंने एक देशभक्ति गीत गाया रक्षाबंधन के लेके। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, छपरा सुल्तानपुर गांव है, और वहीं से मेरी सबसे शुरू शुरू तो वहीं से स्टार्ट कर दिया था मैं गायकी का। लेकिन जब मुझे मेरे पापा मम्मी मऊ ज़िले में पढ़ाने के लिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में का छात्र रहा हूँ, 12 तक वहीं से वहीं तक 12 तक वहीं पढ़ा, और स्टार्टिंग कक्षा 2 से मैं मंच से गाना स्टार्ट कर दिया था प्रेयर में, और तमाम कंपटीशन होते थे तो उस टीचरों का, और वहाँ के जो म्यूजिक टीचर थे एके मिश्रा सर, बहुत सपोर्ट किए मुझको और इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह धीरे धीरे मेरा कार्यक्रम बढ़ता रहा और मैं धीरे धीरे मंच करने लगा, और आप लोग के आशीर्वाद रहा, मीडिया मीडिया लोग भी बहुत सपोर्ट किए मेरे को, तो इससे थोड़ा कुछ अंदर से हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अच्छा लगने लगा। और इस प्रकार मैं इस लाइन में सबसे पहले तो अपने माता पिता रख दूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो मैं अभी तक मैं भी किताब कापी लेके बनारस और इलाहाबाद पढ़ता रहता और उसका कोई परिणाम नहीं आपकी करता। शिक्षा अच्छा कहाँ तक हुई? शिक्षा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, जल्दी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है जी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अभी हम से। बात कर रहे थे भोजपुरी के क्षेत्र में आपने कई सारे गाना गाया, देश देश की सेना और गजल निर्गुण जैसे बहुत सारे गानों पे आपने अपने बहुत सारे जी, गाना के आपके एल्बम्स वगैरह आए हुए हैं। तो आज हमारे दर्शक जो आज हमारे सामने हैं, तो इनको आप कोई अपनी पसंद की कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद आती है और हमारे अभी दर्शकों को पसंद आए, इसका खासा ख्याल रखते हुए आप इन्हें देंगे। अभी मैं एक देशभक्ति गीत गाया था रक्षाबंधन पे, तो बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला आप लोग का। ये था कि बॉर्डर पे जो हत हुई है, देखी देखी रोवत हुई है, कलैया के की आस लगल होई राखी खाती भैया के, भैया के असरा त हम पुराइबो, राखी के धागा चिट्ठी में भेजवाइबो, आइल त रहते छुट्टी मिलल न होई मुर्सी पहिया के, की आस लागल होई राखी खाती भैया के। बड़ा प्यारा आशीर्वाद इस गीत पे मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप नवीन जी, आपसे हम बात कर रहे थे, अभी तक आप बहुत सारी विधाओं पे अपने गाने
गाए हुए हैं, जो बहुत सारे एल्बम्स और कई तरह के आपके के गाने आए हुए हैं और जो बाज़ारों में बिक भी रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा, आपने उन गानों में जो आपको पसंदीदा गाने हैं, जो अलग अलग जैसे भोजपुरी, देश की सेना, गजल, निर्गुण, देवी गीत, तो इसमें आप कंटिन्यूट मुझे दो चार गाने ऐसे कुछ सुनाएंगे जो। जैसे कि शुरू में किया गज़ल गायकी से स्टार्ट किया और स्टेज भी गज़ल गायकी से स्टार्ट किया, तो गज़ल में तमाम गुलाम अली जी हैं, जगजीत सिंह जी हैं, तो मैं अक्सर जगजीत सिंह जी का गज़ल गाता था। जैसे कि एक गज़ल था, चिट्ठी न कोई संदेश, हाँ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए। इसके बाद फिर मैं भोजपुरी में आया और भोजपुरी में तमाम गीत गाया, बड़े भैया गुरुतुल्य हैं हमारे गोपाल राय जी, उनके गीत गाया कि जनती जे लागी हाथी यारी ये बेटी रखती तो हके कुवार, आ जनती जे लागी हाथी यारी ये बेटी रखती तो हके कुवार, भोले जमाना दे गारी ये बेटी रखती तो हके कुवार, ससुरा में सुख करबू ललसा लगाई के, तोहरा के बांध यही खुटवा कसाई के, हितैनी भावलस जनवा मारी ए बेटी रखती तो हके कुवार, भोले जमाना दी गारी ए बेटी रखती तो हके कुवार। इसी तरह बहुत सुंदर यह गाना, जो सामाजिक बुराई को देखते हुए जी गोपाल राय जी भोजपुरी सम्राट हैं उन्होंने गाया था, उसको आपने इस विधा को अपने लाया जनता के बीच जी में, जी तो जी मैं जरूर जानता हूँ कि इससे जनता बहुत तक सीखेगी। यह गाना जो है मूल रूप से जो जब तक हमारी जो बेटियों की शादी और दहेज और इस तरह दहेज की जो प्रथा विधा, तो आजकल एक बड़ी विषमता है और सामाजिक बुराई भी है, उसको दूर करने का प्रयास हमारे भोजपुरी सम्राट गोपाल राय साहब जी ने किया था, जी और जी उस विधा को अगर आप इस तरह का गा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ कि छोटे जगह पर, हमारे मऊ जनपद जैसी जगह में इस तरह का गायन करके आप एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं, एक जी अच्छी जी लोगों को संदेश दे सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कि मैं ऐसे गीत गाऊँ कि जिससे समाज सीख सके। गाने के लिए तो बहुत लोग गा रहे हैं, बहुत लोग नाम लेके गा रहे हैं, तरह तरह का गीत गा रहे हैं, आज सुन भी रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मतलब कि मेरे इन, जैसे कि हमारे मदन राय जी ने, बड़े भैया वो एक निर्गुण गाए थे, वो बहुत बहुत पॉपुलर निर्गुण था, उसको भी बहुत अच्छा लगता है गाने में अपने शैली में। जैसे कि एक दिन नदी के तीरे आजात रहनी धीरे धीरे, हम आखी देखनी हम आखी देखनी, सुनरा शरीरिया गिया में जरे लाए राम, हम आखी देखनी सुनरा शरीरिया गिया में जरे लाए राम, हित मित जे भी रहे एके मुहे सबे कहे, हित मित जे भी रहे एके मुहे सबे कहे, बेटा के जरले बेटा के जरले,
बाबूजी के नस्वर तनवा तारे लाएरा हम आखी देखनी सुनरा शरीरिया सुनरा शरीरिया सुनरा शरीरिया गिया में जोर लाएरा। और इसी तरह एक हमारे बहुत सुंदर, यह तो जो अभी आपने जो मदन राय जी का गाना गाया तो इसमें एक मृत्यु शाश्वत सत्य है जी 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 और जीवन यह हमारा जो मिला है यह पूरी दुनिया नश्वर है, यही बताने का प्रयास किया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आने वाले समय में यह जरूर हमें मृत्यु मिलनी है, यह सोच के हम जो कुछ भी करें तो उस चीज़ को अपने यथावत गाने का प्रयास किया, बहुत ही सुंदर लगा। और यह निश्चित तौर पर संदेश देगा हमारे दर्शकों को कि हम इस बात को सदा ध्यान में रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आने वाले समय में हमें उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलना है, तो हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी को कष्ट हो हमसे। फिर और इसी तरह जैसे हमारे पवन भैया गीत गाए थे, रोमांटिक सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था, हमर जान लेके जान कहाँ चल गईलू जान हो छीन ली हलू तू चैना दर्द घटले घटे ना कट गईल पंख अब कौड़ी दिल के मैना तू तो बढ़ा दी हलू रिश्ता में दूरी शायद ही तोहरे खाती रहे जरूरी न जाने कैसन सजा दी हल तू दिल के दर्द बढ़ा के हमर जान लेके जान कहवा चल गईलू जान हो। तो इसी तरह हम लोग आप लोग आशीर्वाद मिलता रहा और ये गीत था किसन ही लगावल बहुत बात नहीं खे सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरावल बहुत बात होला केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे रुआ के हसावल बहुत बात होला समझे न पौनी तहर असली रहता रूपवा के जाल में धरा गई दादा समझे न पौनी तहर असली रहता रूपवा के जाल में धरा गई दादा असरा धरावल बहुत बात नहीं खे असरा तुरावल बहुत बात होला। निश्चित तौर पर आज हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर, नवीन कुमार सिंह जी जिनके जिनको हम इस गायन के क्षेत्र में राजन के नाम से भी जानते हैं, मऊ अपने जनपद मऊ के प्रधान मिल रोड पे आप निवास करते हैं और आपका गायन के क्षेत्र में इतनी पकड़ है कि जनपद में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है लोग राजन के नाम से अक्सर जब जब कभी आते हैं कार्यक्रम में जनता के बीच में तो लोग कहते हैं सबसे पहला कार्यक्रम राजन जी का हो। तो राजन जी के कार्यक्रम में हम देखें अभी तक भोजपुरी, देवी गीत, देश की सेना, गजल, निर्गुण, ऐसे कई सारे विधाओं पे आपने इस तरह का गायन प्रस्तुत किया। आप अभी तक अपने बताया पिताजी माताजी का बहुत बड़ा श्रेय है, मैं गायन के क्षेत्र में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? मैं भोजपुरी जगत में सबसे पहले तो मैं पवन जी का मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे मुझे अच्छा लगता है उनकी गायकी और उनकी शैली भी अच्छी लगती है क्योंकि कुछ उनका भोजपुरी जगत में कुछ क्लासिकल पैटर्न भी वो यूज़ करते हैं। हमारे दो दर्शक जो जुड़े हुए हैं मऊ आजकल से, इन सभी दर्शकों का मैं हार्दिक बधाई देता हूं जो आप इतने देर तक दिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जो दर्शक और युवा साथी हमसे आज जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भोजपुरी में एक नया अभियान होना चाहिए? मैं ये चाहूंगा युवा कलाकारों से कि अच्छे गीत गाएं और अच्छा वीडियो बनाएं ताकि अपने घर में अपने परिवार में उस चीज़ को दिखा सकें और अच्छे रियाज करें और आगे बढ़ें, यही मैं चाहूँगा। और ये माता रानी से दुआ करूँगा कि आगे बढ़ें।